जैसा कि हम सब जानते हैं कि चर्च में जाकर और परमेश्वर पर विश्वास करने से लोगों को चंगाई मिल जाती है और उसके लिए हमें प्रभु पर अटूट विश्वास करने की जरूरत है, न कि सिर्फ बपतिस्मा लेने की जरूरत है। पर फिर भी कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हमें चर्च में जाकर बपतिस्मा लेने से ही हमें चंगाई मिलेगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में परमेश्वर के दास पास्टर राहुल मसीह जी ने इसी विषय पर हमें कुछ और भी बातें बताई हैं, जो हमें एक बार जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम सब बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और पास्टर जी, हमने देखा है कि चर्चेज में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं ना, लोगों को चंगाइयाँ मिलती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये चंगाइयाँ, ये सारे जो चमत्कार होते हैं, क्या वो सिर्फ बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए हैं? जी सिस्टर जी, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं बपतिस्मा लूंगा तभी मेरे जीवन से बीमारी जाएगी, परेशानी जाएगी, हमारे घर में शांति आएगी। लेकिन बाइबल जो हमें बपतिस्मा लेने का कारण बताती है वो शरीर की चंगाई के लिए या पृथ्वी की बरकतों के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि बपतिस्मा जो है वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है और वो हमारे उद्धार के लिए है, वो हमारे मोक्ष के लिए है, कि हम पाप में जो पहले जीवन जी रहे थे उसको छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसीलिए बपतिस्मा हमारी शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, बपतिस्मा हमारी आत्मिक एक नए जीवन के लिए है, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, और बाइबल कहती है जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो आपके ऊपर आशीष आएगी, आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो सभी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए प्रभु चंगाई देते हैं, आशीष देते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए हमारा ये एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं चंगाई बपतिस्मा लेने के बाद में पाऊंगा, मैं चंगाई के लिए बपतिस्मा ले रहा हूं, जब मैं पृथ्वी की आशीषों के लिए बपतिस्मा ले रहा हूं, तो ये हमारा विचार एक गलत विचार है। क्योंकि बपतिस्मा हमने इसीलिए लेना है कि हम उद्धार पाना है, मुक्ति पाना है, और मुक्ति पाने के लिए हर एक इंसान की जरूरत है, मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान पाप में पैदा हुआ है और पाप में उसका जन्म हुआ, इसलिए नया जन्म पाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है, उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा है, ना कि चंगाई के लिए है। तो इसीलिए जितने भी बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति है या लेना चाहते हैं, तो आप ये बात को मत सोचें कि बपतिस्मा मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि शायद मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे बरकत मिलेगी। तो मेरे प्रियजनों, यदि आपका ये उद्देश्य है तो आप कभी भी परमेश्वर को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य आपकी आत्मा के विषय में है, आपके मोक्ष के विषय में, उद्धार के विषय में है। तो बपतिस्मा हमें उद्धार के विषय में सिखाता है, तो चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, लेकिन पहले हमारा मकसद परमेश्वर का राज्य होना चाहिए।